हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ग्राफ पर हम इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, इक्वेशंस जिसमें केवल एक ही वेरिएबल्स। आज इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और उनको हम किस प्रकार से ग्राफ पर प्रोजेक्ट करते हैं, और इसमें देखिए इनइक्वलिटी का साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये है एक्स और ये है, ये हमने एक ग्राफ बना लिया। और जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसे हम देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, 2x+y, इसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे बच्चों? इक्वल में। 2x+y ग्रेटर और इक्वल टू 6 था, हमने इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लिया। तो जब ये इक्वल में कन्वर्ट हो गया तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पर पुट करेंगे लेट एक्स इक्वल टू जीरो। उसका रीज़न ये है कि हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू 6। तो आपका ए पॉइंट कितना है? 0,6। अगेन लेट वाई इज इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपका बी पॉइंट कितना बनेगा? 3,0। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। एक आपने देखा कि 0,6 है और एक आपने देखा 3,0। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, या इनको अब इन्होंने ग्राफ पर प्रोजेक्ट करेंगे और बड़ी आसानी से इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ पर प्रोजेक्ट करने से पहले हमें मेजरमेंट दिखाना होगा। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये ऊपर से 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट 0 ये है, 6 ये है, तो ये हो गया आपका ए पॉइंट। फिर ये 3,0, 3 3 इधर चलो, 0 के लिए रुक जाओ, ये हो गया आपका सी पॉइंट। और अब हम इन्हें ड्रॉ कर देंगे। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमारे पास साइन कैसा है? ग्रेटर और इक्वल। अब आपको ये देखना है कि ये जो क्षेत्र होगा, रीजन होगा, वो इस तरफ वाला होगा कि इस तरफ वाला होगा, मतलब ओरिजिन की ओर होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये आपको सोचना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है। ये रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट सामने भी शो कर सकते हो। वो कैलकुलेशन ये होता है कि हम इसमें 0,0 पुट करते हैं। देखेंगे पुटिंग 0,0 इन इन एबो इक्वेशन। तो हमने 0 ये रखा, 0 ये रखा, और एक चीज देखिए, अरे ये क्या आ रहा है? ये तो उल्टी चीज आ रही है। ये कह रहा है कि 0 जब 6 से बड़ा है, इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा? वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अर्थात जो इसमें रीजन होगा वो ये वाला रीजन, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं 0 क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये ओरिजिन क्यों नहीं जा रहा है? तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये देखिए इस डायरेक्शन में ये चला गया। तो ये आपका पहला वो क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से आप इसको ग्राफ पर प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा देखते हैं। देखिए अगर ग्राफ के क्वेश्चन समझने तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से जानना होगा, तभी आप उसको अच्छी तरह समझें। ये एक्स हो गया और ये वाई। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम फिर वही काम करेंगे। सेकंड पार्ट इसका लिया, 2x+y इज इक्वल टू 6 में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम वही पॉइंट लेंगे यहाँ पर। तो निसंदेह पॉइंट पहले जैसे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन वही सेम रखी है। तो हम यहाँ डायरेक्ट ले सकते हैं, देखिए इक्वेशन वैसी है ना, 2x+6, और यहाँ देखिए 2x+y इज इक्वल टू 6 और 2x+y इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब इन दोनों से सेम ही चीज़ आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ए बिकम्स 0,6 एंड बी बिकम्स 3,0। आप समझ गए होंगे बच्चों ये हम कैसे ला रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ऑलरेडी पहले से दे रखा है। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारा बना। अब पहला पॉइंट है 0,6, 0 के लिए गए, 6 के लिए, ये हो गया आपका ए। और ये 3,0, 3 ये 0 के लिए ही रुके, ये हो गया बी। अब इन दोनों को हम यहां से मिला देंगे, ये मिला देंगे।
ये हमने यहाँ पर मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो अब हमें देखना है कि ये किस तरफ होगा, अभी फ्रॉम ओरिजिन होगा कि टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो उसको डिसाइड करती है हमारी ये इक्वेशन। हम यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 0 प्लस 0 0। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो किस ओर होगा बच्चों, वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, इस तरफ होगा, ओरिजिन की ओर होगा, ओरिजिन की ओर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम इनको या इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से हम ग्राफ और उनके रीजंस को डिफाइन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इस ग्राफ को बनाना भी आप सीख गए होंगे कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है आपको पॉइंट्स 0.0 पुट करने की। जैसे आप 0.0 पुट करेंगे क्रम से, एक बार एक्स पे एक बार वाई पे, तो आपको अपने आप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा कि वो रीज़न किस दिशा में है। थैंक यू वेरी मच।